चलो गात चलो शिरडी चलो रे, मेरे साईं ने बुलाया चलो शिरडी चलो रे, मेरे बाबा ने बुलाया चलो शिरडी चलो रे। Thank you.
अब हम यहाँ बात कर रहे हैं साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन पर शिरडी के निवासी रविंद्र कुमार कुमावत जी से। रविंद्र जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पर जब लोग आएंगे शिरडी में, तो साईनगर शिरडी से आपको क्या लगता है उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, यहाँ तो एक पहले साई भक्तों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि जो लोग पहले मनमाड़ या कुपरगा उतरते वहाँ पे टैक्सी करके उन्हें शिरडी के लिए आना पड़ता था। अब उनका फायदा है ना कि उनको मनमाड़ या कुपरगा उतरने की जरूरत नहीं, वो सीधा शिरडी आ सकते हैं। और शिरडी में आने के बावजूद भी उनको टैक्सी करने की जरूरत नहीं, एक तो साई बाबा संस्थान यहाँ उनके आने जाने के लिए वो सब बस करने वाले हैं, जिससे वो सीधा साई बाबा संस्थान के साई भक्तिनिवास बिल्डिंग में उतरेंगे जहाँ द्वारावती वगैरह वहाँ पे उनको रूम मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो उन लोगों को विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप और करें, उनको आने के लिए जो दिक्कत होती थी उनके लिए भी अभी कोई तकलीफ होने वाली जैसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह, अभी दिन ब दिन रश बढ़ते जा रहा है और ट्रेन आने के बावजूद और रश बढ़ेगा, ये हमारे लिए खुशी की बात है शिरडी वालों के लिए।